ओम शांति। आज दादी जानकी जी की अव्यक्त दिवस है। दादी जी की अव्यक्त दिवस निमित्त जो भोग लगाया जाता है, उसके बाद जो संदेश सुनाया जाता है, वो संदेश आप सभी को सुनाने जा रहे हैं। चलिए सुनते हैं बाप दादा की याद प्यार में रह के दादी जी की संदेश। ओम शांति। मैं सभी का याद प्यार लेते हुए जब भोग लगाने के लिए बाबा ने बतल में बुलाया तो आज का दिन बाबा जब सामने आए तो बाबा आज आपके लिए दादी जानकी जी के लिए भोग लेकर के आए हैं। शांति से बाबा तो सब जानते ही हैं, फिर भी तो बाबा मुस्कुरा रहे थे और बहुत स्नेह और शक्ति भरी दृष्टि से हम सबको निहाल कर रहे थे। और कुछ क्षणों में बाबा ने दादी जानकी जी का बदल में आह्वान किया। दादी के साथ साथ अन्य पूर्व जात्माएं भी वहाँ पर उपस्थित थी। बहुत बहुत सुंदर मिलन कहें, मिला कहें, अव्यक्ति परिवार जब हमारी पूर्व दादी और हम सब यहाँ से साकार वतन में गए हुए खूब प्रेम से मिलन मना रहे हैं। तो दादी जानकी एक क्षण के लिए जैसे दादी ने अपनी दोनों बाहें ऐसे फैला के जैसे सभी को दादी गले लगा रही है, मुझे भी ऐसा लगता है दादी ने ऐसे गले लगाए और भी सभी को। और कुछ क्षणों के बाद बाबा ने भोग स्वीकार कराया, दादी जानकी को भोग स्वीकार कराया और बाबा ने सभी को कहा कि देखो आप सबके लिए समय भोजन भोग आया है। तो सभी ने स्वीकार किया और उसके बाद बाबा ने कहा कि देखो इस समय सभी प्रेम के सागर में समाये हुए, सभी के दिल में बाबा के प्रति, दादी के प्रति अर्थात अन्य जो भी पूर्वज जिन्होंने यज्ञ में अथक सेवा की है, सभी के प्रति जैसे कि स्नेह है। बाबा ने दादी की तरफ देखा, दादी तुमको इस समय क्या इच्छा है, मैंने क्या संकल्प है। तो दादी मुस्कुराने लगी, दादी तो अवधेरी रहती ही थी। दादी ने कहा कि बस दो संकल्प है, इस संकल्प तो ये है कि जल्दी से जल्दी जो भी दुखी हैं, शांत हैं, चिंता में है, परेशान है, सभी को बाबा का परिचय मिले। तो ऐसा कुछ प्लान बनाओ। तो बाबा ने कहा हम लोग ऊपर से करेंगे, आप लोग यहाँ से करो, पर जो भी सेवा का प्लान बनाओ उसमें बाबा का परिचय जरूर सबको मिले। और दूसरा बाबा की जो प्रत्यक्षता है उसके लिए हम अंत तक इंतजार नहीं करेंगे, परंतु वर्तमान समय में अपनी दिव्यता, अपने गुण, अपने ज्ञान वाणी से कई प्रकार से आप लोग बाबा को प्रत्यक्ष कर भी रहे हैं और आगे करते भी रहेंगे। तो परीक्षा भी देना है और प्रत्यक्ष भी करना है। उसके बाद दादी ने कहा, बाबा देख रहे थे दादी आपस में एक दूसरे को, बाबा ने कहा कि दादी सभी बच्चे, एक एक बच्चा पूरी तरह से सच्चाई से पुरुषार्थ कर रहे हैं
और सेवा भी कर रहे हैं हर बच्चा। मामा ने कहा कि कोई भी बच्चा अलबेला नहीं है, सेवा में सबको बहुत बहुत रुचि है और बहुत ही प्रगति से कर भी रहे हैं। तो बाबा ने कहा कि सिर्फ अभी एक बात का ध्यान रखना है कि इस समय यज्ञ के लिए, परिवार के लिए या यूनिवर्सिटी बहुत कुछ भी नाम दें, परंतु बहुत आवश्यकता है कि सभी श्रीमद और एक मत पूरी तरह से कोई भी बात में श्रीमद का उल्लंघन नहीं होना चाहिए और आपस में भी एक मत होकर के अगर सभी श्रीमद की एक मत, श्रीमद ही एक मत है, ये नहीं कि हम एक दूसरे की मत, बाबा की मत ही एक मत है, उस एक मत पर चलने के। तो बाबा ने कहा कि ऐसे भी सारे विश्व में आप सभी हर प्रकार से एक उदाहरण लो, परिवार के रूप से भी उदाहरण लो, यूनिवर्सिटी भी अनोखी है, हर प्रकार से उदाहरण लो, लेकिन अब ये जो सूक्ष्म शक्ति है एकता की, एक मत की, तो बाबा ने कहा कि उस सूक्ष्म शक्ति से कार्य संपन्न होगा और बाबा ने कहा जय जयकार होगी और सभी को प्रत्यक्ष होगा ये सब एक मत है, एक ही मत पर चलने वाले हैं। तो बाबा ने कहा इसकी थोड़ा सा टेंशन लेने की आवश्यकता है। और फिर बाबा ने कहा देखो दादी का तो एक ही स्लोगन है, सफल करो तो सफलता मिलेगी, कुछ भी व्यर्थ न जाए, चाहे वो अपना है चाहे यज्ञ का है, कुछ भी व्यर्थ नहीं जाना है। संकल्प, वाणी, धन, हर प्रकार से समय व्यर्थ कुछ न जाए, सफल करो सफलता मिलेगी। तो ऐसे कहते हुए जैसे डॉक्टर दा ने हम बच्चों को ये वरदान दिया ये सफल करना है और संपूर्ण सफलता को पाना है। ये बाबा ने दृष्टि देते हुए आप सभी के लिए यात्रा भी दी और यात्रा के साथ साथ दादी गुलजार ने भी अपना जैसे दादी हाथ उठा के बाबा हमेशा आशीर्वाद देते थे और दादी जानती अपनी दोनों भावों में सब कुछ समा रही थी। ऐसे कहते हुए ये दृश्य अंत में फिर मैं वापस आऊँगी। Thank you.
वही तो।